हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता विद धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू। और मैं भी जिस डॉग का आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ, ये डॉग हमने रेस्क्यू किया है और इसके कॉलर ने हमें बताया है कि इसके कान में मैगेट्स हैं। और लकीली ये फीडर का डॉग है, जिस वजह से उन्होंने नोटिस कर लिया कि इसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर उनको खुद पता चला कि कान में कीड़े हैं, तो उन्होंने हमें कॉल किया इसके रेस्क्यू के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आजकल कितने मैगेट के केसेस आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून सीज़न है और मैगेट्स का सीज़न भी पीक पर रहता है इस महीने सीज़न में। और हर साल हमें मैगेट के केसेस बहुत आते हैं हर मानसून में। बट अभी आप देख सकते हैं कि कितने मैगेट्स ऐसे निकले हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट अच्छी बात यह है कि इसके जो फीडर है उन्होंने ठीक टाइम में नोटिस कर लिया। एटलीस्ट उन्होंने हमें कॉल किया इसके रेस्क्यू के लिए। अभी ये डॉग जो है सिडेट किया है हमने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में सिडेट करना ज़रूरी है ताकि हम डॉग का इजीली ट्रीटमेंट कर सके, प्लस डॉग जो है पेन भी ना फील कर सके, इसलिए हमने डॉग को सिडेट किया है। और ये डॉग स्टेरलाइज है, हमने इसे स्टेरलाइज पहले किया हुआ था और अब हमारे पास आया है ये मैगेट केस के लिए। देखिए देखिए संजय जी इसका मैगेट रिमूव कर रहे हैं। क्या हो सकता है, कान में इन्फेक्शन की वजह से? ऐसा जिसका कोई ऐसा वूंड तो नहीं है, बट कभी कभी हमारे पास डॉग इस केसेस में भी मैगेट लेके आते हैं कानों में, जब उन्हें कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में इन्फेक्शन की वजह से जब उनकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है, और जैसे कि आपको पता है मॉनसून का सीज़न है, तो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन की वजह से मैगेट पड़ने के चांसेस हाई रहते हैं, जैसे कि इस डॉग को हुआ है। देखिए फिलहाल तो ये हमारे पास कुछ टाइम के लिए रहेगा, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। मैं आगे भी इसका अपडेट देती रहूँगी, मैं टीम को अभी इसके साथ छोड़ देती हूँ ताकि वो आराम से क्लीनिंग कर सके। आई होप आपको हमारा ये रियल टाइम पसंद आया हो, और तब तक के लिए या मैं आपको फिर से ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए मैं आपको बाय कहना चाहती हूँ।